हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुली स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलनशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2005 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ये जो एग्ज़ाम है ये अगस्त 2006 में हुआ था। ये वीडियो पीजीटी टीजीटी और नेट के एग्ज़ाम के लिए, और अभी न्यू वैकेंसीज आई हैं जीआईसी में लेक्चरर की, उसके लिए भी यह वीडियो इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का लग रहा है कि यह आंसर सही नहीं है तो वो अपना आंसर दे सकता है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे, उसको एक्सप्लेन भी करके बताए कि यह आंसर उसका कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर टू रेवरेंस इन अस ड्वेल। इन विच पोयम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइन्स। देखिए ये जो लाइन्स हैं, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर टू रेवरेंस इन अस ड्वेल, ये जो लाइन्स हैं ये टेनिसन की किस पोयम में हैं? तो यूलिसिस में, मॉर्टर डे आर्थर में, इन मेमोरियम में या लॉक्सले हॉल। तो ये जो लाइंस हैं ये इन मेमोरियम में है टेनिसन की। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इन मेमोरियम। नेक्स्ट है, हु इज़ द मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन फेगिंस डैन इन डिकन्स ओलाइवर ट्विस्ट। डिकन्स के ओलाइवर ट्विस्ट में सबसे ज़्यादा फ्यूरियस कैरेक्टर कौन सा है? तो बिल साइक्स। फ्यूरियस कैरेक्टर ओलाइवर ट्विस्ट में है बिल साइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ। शेक्सपियर के हेनरी में जॉन शेक्सपियर का जो हेनरी है एक ड्रामा, इसमें जॉन फॉलस्टाफ के लिए, के कैरेक्टर के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविक्स या कैरिकेचर। तो कैरिकेचर है इसका। तो कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून वाला या मजाकिया। नेक्स्ट है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस अपियर। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में वोल्टिमेंट और कॉर्नेलियस अपियर हुए थे? तो किस प्ले में? हेमलेट में। ठीक है, नेक्स्ट है, किड्स पोइट्री इज अबंडेंटली enchantingly sensuous. Who has made this comment about the poetry of Keats? Keats की poetry के बारे में ये बात किसने बोली? क्या बात? कि Keats poetry is abundantly and enchantingly sensuous. तो ये बात कही थी मैथ्यू आर्नल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर count more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. किसी भी नाइटिंगेल ने इतना वेलकमिंग सॉन्ग नहीं गाया था इस अरेबियन सैंड्स में। वेयर फ्रॉम द अबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये जो लाइन्स हैं ये वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई हैं? तो ये सॉलिटरी रीपर से है। सॉलिटरी रीपर आपने पढ़ी होगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत अच्छी पोयम है। इसमें एक सॉलिटरी रीपर, एक एकांत रीपर के जो लड़की है, गाना गाती है वो, उसके गाने की तारीफ करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बातें कही हैं। नेक्स्ट है, इन विच फेमस पोयम डज वॉल्ट व्हाइटमैन मेक ए रेफरेंस टू सीज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक। स्वेज कैनल और वायर लाइन के अक्रॉस द अटलांटिक के लिए वॉल्ट व्हिटमैन एक रेफरेंस बनाते हैं। मतलब किस पोयम में स्वेज कैनल और वायर लाइन का अक्रॉस द अटलांटिक की बात कही है, पैसेज टू इंडिया में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोयम ऑफ इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स, द लव सॉन्ग ऑफ जे ऑल्फ्रेड प्रूफरॉक। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इनमें से इलियट का फर्स्ट पब्लिश्ड वॉल्यूम ऑफ वर्स कौन सा है? द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। नेक्स्ट है, द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव
of the French root essai, which means to compose, to go on a walk, to try, and to express. सही ऑप्शन है इसका टू ट्राई, कोशिश करना. नेक्स्ट है मैथ्यू ऑर्नोल्ड्स रग्बी चैपल कॉमेमोरेट्स. मैथ्यू ऑर्नोल्ड की जो पोयम है रग्बी चैपल, ये किसको कॉमेमोरेट्स है? तो ये द डेथ ऑफ हिज फादर. देखिए याद रखिए द डेथ ऑफ हिज फादर, ना कि द डेथ ऑफ फ्रेंड गर्ल हिज रिलेटिव्स, नहीं, द डेथ ऑफ हिज फादर. नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द एसे द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, हेजलिट बेकन लैम्ब या मैथ्यू ऑर्नोल्ड. तो ये लिखी है चार्ल्स लैम्ब ने. नेक्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मैन एट वार इज, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो है मैन एट वार, ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हैं, ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है. देखिए ये जो बुक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग है. तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि ये आंसर रॉन्ग है तो वो अपने आंसर बता सकता है और उसका उसकी एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसे सही है. ठीक है, नेक्स्ट है द एनोलॉजी वॉज दैट ऑफ द catalysts when the two gases previously mentioned are mixed in the presence of a filament of platinum, they form sulfurous acid. This acid contains no trace of platinum and the platinum itself is apparently unaffected, has remained inert, neutral and unchanged. The mind of the poet is the shred of platinum. The above lines are an extract from T.S. Eliot's essay. ये जो lines हैं ये T.S. Eliot के essay से ली गई हैं, जो क्या दिखाती हैं? Hamlet and his problems, the perfect critic, the imperfect critic, या traditional tradition and individual talent. तो ये lines जो हैं tradition and individual talent से ली गई हैं. नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. ये किससे ली गई है? तो मेटाफर से, पर्सोनिफिकेशन से, ट्रांसफर्ड एपिटेथर से, या हाइपर. तो ये जो है ट्रांसफर एपिटेथर से ली गई है, एपिथर से. नेक्स्ट है टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन apply, the tedious wiseacre who meddles his way to his doom. तो ये जो description है ये शेक्सपियर के किस character पर apply किया जाता है? Hamlet पर, Claudius पर, Polonius पर, या Rosencrantz पर? तो ये Hamlet पर किया जाता है. Next है हु रोट सोहराब एंड रुस्तम. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन. सोहराब और रुस्तम किसने लिखा? तो ये लिखा है मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने. नेक्स्ट है हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस अदर्स अबाइड और क्वेश्चन दो आर फ्री वी आस्क एंड आस्क दो स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल. एक बार और सुन ले. Others abide our question, though art free, we ask and ask, though smilest and art still. इस तरह से शेक्सपियर की प्रशंसा किसने की? मैथ्यू आर्नोल्ड ने की थी ये. नेक्स्ट है हु इज थायरिसिस इन द पोयम ऑफ द सेम नेम. जो पोयम है थायरिसिस, इसमें थायरिसिस कौन था? बीबी शैली, आर्थर हफक्लफ, आर्थर हेलम, या एडवर्ड किंग? तो ये है आर्थर हफक्लफ, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ डिकन्स वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड. डिकन्स का कौन सा नॉवेल अनफिनिश्ड रह गया था? तो वो है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड.
Next, in the same Ezekiel's poem, background casually reflects his love for religion. जो नसीम इज़ेकिल की पोयम है बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स करती है वो हिज लव उनका प्रेम फॉर रिलीजियन धर्म के लिए. इसमें तीसरा दे रखा है लेकिन मुझे इसका हिज लव फॉर रूरल लाइफ से लगता है. नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइफ सोरोज सिट एंड वीप. इसमें कौन सा सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन. देखिए मैंने फिगर ऑफ स्पीच के लिए भी एक वीडियो बनाई है. अगर आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं उनको समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं. वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ. नेक्स्ट है फ्रीडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन. जो फ्रीडरिक हेनरी है जो हेमिंग्वे का नॉवेल ए फेयरवेल टू आर्म्स का हीरो है वो एक ड्राइवर है. कहाँ पर था? इटालियन आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, अमेरिकन आर्मी में या जर्मन आर्मी में? तो ए फेयरवेल टू आर्म्स ये तो आपको पढ़ के पता चलेगा. और किसी ने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं इटालियन आर्मी है इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द अनवेंक्विस्ट. अनवेंक्विस्ट का ऑथर कौन थे? तो इसका सही आंसर है विलियम कैथबर्ट फॉल्कनर. नेक्स्ट है सेंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज नॉवेल. सेंटियागो हेमिंग्वे के किस नॉवेल के हीरो थे? तो आपने सेंटियागो का तो पढ़ ही रखा होगा, एमए में पढ़ा होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी. नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द रेस ऑफ नसीम इज़ेकिल. नसीम इज़ेकिल की रेस का क्या ओरिजिन था? बेन इज़राइल, इंडियन क्रिश्चियन, लैटिन अमेरिकन या डेविडियन? तो इसका है बेन इज़राइल. नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेल हिज फार्म इन न्यू इंग्लैंड एंड मूव्ड टू इंग्लैंड. किस साल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना फार्म बेचा न्यू इंग्लैंड में और इंग्लैंड चले गए? 1912 इसका करेक्ट आंसर है. 1912 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना न्यू इंग्लैंड का फार्म बेचकर वो इंग्लैंड चले गए. नेक्स्ट है हु हैज़ कॉल्ड शेली अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड. बीबी शेली को ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा? स्विंबर्न ने. एसी स्विंबर्न, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, एसी स्विंबर्न. नेक्स्ट है मुन्नू इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ एम आर आनंद. एम आर मीन्स मुल्क राज आनंद नॉवेल. मुल्क राज आनंद के किस नॉवेल में मुन्नू एक मुख्य चरित्र है? कुली में, अनटचेबल में, टू लीव्स एंड अ बर्ड में या द विलेज में? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, कुली. कुली का जो है सेंट्रल कैरेक्टर वो मुन्नू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. किसने कहा कि कवि एक आदमी है स्पीकिंग टू मैन जो बहुत से आदमियों से बातें कर रहा होता है? तो ये किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. नेक्स्ट है द रोमांटिक पोइट्री इज अ रिवाइवल ऑफ. रोमांटिक पोइट्री एक रिवाइवल है ऑफ किसका? क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मेडिवलिज्म या ह्यूमनिज्म? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसमें, क्लासिसिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डांस ऑफ ईनट्स हैज बीन रिटन बाय. डांस ऑफ ईनच यानी कि हिजड़े को कहते हैं ईनच. ईनच का डांस ये किसने लिखा? तो ये लिखा था कमला दास ने. नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी बार पुलिट्जर प्राइज जीता? एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार या नेवर? कभी नहीं. देखिए इनमें से नेवर, इसमें चार बार उन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था. नेक्स्ट है द रेस्ट इज साइलेंस दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर. द रेस्ट इज साइलेंस देर आर द लास्ट वर्ड ऑफ हैमलेट बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर. देखिए जो लाइन है द रेस्ट इज साइलेंस ये सेंटेंस
या ये लव्स आखिरी किसके थे, हैमलेट के थे, सीजर के थे, मैकबेथ के थे या लियर के, किंग्स लियर के? तो ये लास्ट वर्ड हैमलेट के थे, द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ हैमलेट बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। नेक्स्ट है द आयम्बल पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, फाइव सिलेबल्स इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंग्वेज सडन डेथ। हेमिंग्वे के अचानक मृत्यु के कारण उनका कौन सा कार्य इनकम्प्लीट रह गया था, आइलैंड इन द स्ट्रीम, ए मूवेबल फीस्ट, द गार्डन ऑफ ईडन या द डेंजरस समर? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, द गार्डन ऑफ ईडन एक ऐसा वर्क है जो हेमिंग्वे के अचानक डेथ के कारण इनकम्प्लीट रह गया था। नेक्स्ट है द रेटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फोर ऑप्शन सही है इसमें, रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू आर्नल्ड। इनमें से कौन सा काम, कौन सा पोएम का, कौन सा जेनर ऐसा है जो मैथ्यू आर्नल्ड ने नहीं लिखा? देखिए कुछ क्वेश्चंस में जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये कंफ्यूज करते हैं, तो पहले इन्हें ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू आर्नल्ड, इनमें से कौन सा कार्य मैथ्यू आर्नल्ड का नहीं है? कई बार हम नोट को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकालते और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसका अर्थ को समझिए, तब उसका आंसर दीजिए। तो इसमें कौन सा ऐसा काम है जिसमें जो मैथ्यू आर्नल्ड ने नहीं किया? देखिए कल्चरल एंड एनवायरनमेंट, डवर बीच, थायरिसिस, एम्पेडोकल्स ऑफ एटना। तो डवर बीच भी मैथ्यू आर्नल्ड की है, थायरिसिस भी, एम्पेडोकल्स एंड एटना भी, और इसमें कौन सी नहीं है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन द ईयर। वेस्टलैंड सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, 1922 में। नेक्स्ट है द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड की किससे संबंधित थी, विलियम ब्लैक, कॉलिंस, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ? तो आपको बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ। मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ पर भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आपको ये भी बताया है कि उनको लेक डिस्ट्रिक्ट या लेक पॉइंट भी कहा जाता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप इसको बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेज ऑफ इलिया इज, एसेज ऑफ इलिया है फुल ऑफ डिडक्टिक सर्मोनाइजिंग प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स रिमार्केबल फॉर देयर टर्स एंड एफोरिस्टिक स्टाइल या सेट्रिकल एंड क्रिटिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर टू सही है, एसेज ऑफ इलिया चार्ल्स लैम ने लिखी थी, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट है मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट्स इज, मिल्टन की जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है, एलिजी है, ओड है, क्लासिकल एपिक है या एक क्लासिकल ट्रेजिडी है? तो आपको बता दूं मिल्टन्स की जो सैमसन एगोनिस्ट्स है ये एक क्लासिकल ट्रेजिडी है जो पब्लिश कब हुई थी, 1671 में। नेक्स्ट है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी मेंड या अच्छे दीवारें अच्छे नेबर्स बनाती हैं। दिस लाइंस ऑकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट, ये लाइंस फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई हैं, मेंडिंग वॉल से। नेक्स्ट है वीविंग इज अ वर्क ऑफ इजेकिल, इनमें से कौन सा कार्य इजेकिल का है, ए टाइम टू चेंज, रफ पैसेज, समर, नन ऑफ दीज?
या इनमें से कोई नहीं। तो ए टाइम टू चेंज है कैली का, समर है लैंग्रिज की, कैली लैंग्रिज की है टाइम टू चेंज, रफ पैसेज। तो इनमें से विच ऑफ द फिल्म ऑफ इजेकिल का इनमें से कोई सभी वर्क नहीं है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियर्स प्ले इज, मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था शेक्सपियर के प्ले में? तो कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शेक्सपियर की जो वाइफ, मैकबेथ की जो वाइफ थी उसका नाम लेडी मैकबेथ था, और इन ऑप्शंस में कोई भी लेडी मैकबेथ नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसीलिए हमें ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करना है, नन ऑफ दीज पर। नेक्स्ट है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, तो क्या है यहाँ पर हाइपरबोल। नेक्स्ट है हु फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड, सबसे पहले सोनेट को इंग्लैंड में कौन लाई, फिलिप सिडनी, थॉमस यार्ट, शेक्सपियर या मिल्टन? तो इसका सही आंसर है थॉमस यार्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाई शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड, शेक्सपियर के द्वारा कौन सा थिएटर था जो उनका खुद का था और जहाँ पर उनके जो प्ले थे, ड्रामास थे, वो परफॉर्म किए जाते थे, जो उनका खुद का था, तो वो कौन सा था? ग्लोब। नेक्स्ट है टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, हु रोट दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने लिखी? टू फॉलो नॉलेज लाइक ए सिंकिंग स्टार, नॉलेज को एक सिंकिंग स्टार की तरह फॉलो करो बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट्स, तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कही थी। नेक्स्ट है ओ गॉड हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज अल्टर्स दीज वर्ड्स, अटर्स दीज वर्ड्स, शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरोज में से किसने ये वर्ड्स बोले थे? ओ गॉड हाउ वेरी स्टेट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, तो ये किसने बोले थे? हैमलेट ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील्स विद हिज एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लव एंड वॉर, हेमिंगवे ने के किस नॉवेल में उनका डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव एंड वॉर को उन्होंने एक्सप्रेस किया है? तो ए फेयरवेल टू आर्म्स में। नेक्स्ट है इन यीट्स पोयम सेलिंग टू बेंजेंशियम, बेंजेंशियम रिफर्स टू, इनकी पोयम है विलियम बटलर यीट्स की सेलिंग टू बेंजेंशियम, तो इसमें बेंजेंशियम का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉन्स्टेंटिनोपल। नेक्स्ट है टेनिसन्स पोइट्री रिप्रेजेंट्स, टेनिसन की पोइट्री रिप्रेजेंट करती है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को। नेक्स्ट है हु कॉइंड द फ्रेज पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये फ्रेज किसने कही? पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मैथ्यू अर्नोल्ड, करेक्ट आंसर है मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट है फिलिप प्रिप इज ए कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकन्स नॉवेल, फिलिप प्रिप एक कैरेक्टर है जो चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल का है, लेकिन किस नॉवेल का है ये बताएं? ए टेल ऑफ टू साइड्स, सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट या डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है हु राइट द पोयम द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ट्रम्प ऑफ लाइफ किसने लिखी? कीट्स ने या शेली ने? शेली ने। नेक्स्ट है द वर्ड फर्टिव मीन्स, जो वर्ड है फर्टिव इसका क्या मतलब है? देखिए हमें इस तरह के आते हैं, जैसे फर्टिव मीन्स इसका क्या मतलब है, तो इसका स्टिल्थ ही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, तो स्टिम्युलेट का करेक्ट मीनिंग क्या है? मूव, पुश,
eternal या रूट? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, इटर्नल। नेक्स्ट है परपेचुअल मीन्स, परपेचुअल मीन्स होता है लगातार लंबे समय तक बना रहना, ठीक है। तो होली मीन्स पवित्र, रियूड मीन्स ऐसा भी है, इटर्नल है, और रिजिड, रिजिड मीन्स होता है ठोस, मजबूत, टिकाऊ। तो इसका मिलता जुलता ही क्या है, लगातार लंबे समय तक बना रहने का, यहाँ पर हम करेंगे रिजिड। देखिए इन ये जो स्पेलिंग है, ये इन्हीं मतलब जो चार ऑप्शन है इनके जो सबसे ज़्यादा करीब है, या तो एंटोनियम आएगा आपको या सिनोनियम आएगा, लेकिन इससे मिलती जुलती जो है, यानी कि इनका मतलब एक ही हो, जैसे ये है परपेचुअल था, लगातार लंबे समय तक बना रहना, तो यहाँ पर हमने रिजिड किया। रिजिड का मतलब है ठोस, ठोस चीज़ होगी, मजबूत होगी, तो लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी, तो इसका और इसका मीनिंग सेम हुआ, इसीलिए ये हमने रिजिड मेंशन किया। नेक्स्ट है द वर्ड डिस्पैरिटी मीन्स, द वर्ड डिस्पैरिटी का क्या मतलब है? देखिए डिस्पैरिटी मीन्स होता है असमानता। अब इनमें इन इक्वलिटी हमने मेंशन टिक किया है, इन इक्वलिटी का मतलब है असमानता। इक्वल मीन्स समानता, और इक्वलिटी मीन्स समानता, और इन इक्वलिटी मीन्स असमानता। नेक्स्ट है क्रॉनिकल प्लेस वर वेरी पॉपुलर इन, क्रॉनिकल जो प्लेस थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे किस सेंचुरी में? 16th century में। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेड्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो लिरिकल बैलेड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इसके चार फेसेस थे, ठीक है। इसका फर्स्ट फेस कब पब्लिश्ड हुआ था? 1798 में। दूसरा हुआ था 1800 में, तीसरा 1802 में, और चौथा हुआ था 1805 में। ये लिरिकल बैलेड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये बहुत ज़्यादा आता है, कई बार आ जाता है कि द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड कब पब्लिश्ड हुआ, तो प्रीफेस द लिरिकल बैलेड वो होता 1802 में। नेक्स्ट है अ लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडाइमियन इज रिटन बाय, एंडाइमन किसके द्वारा लिखा गया है, शेक्सपियर के या कीट्स के? तो मैं बता दूँ, ये कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग, देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और वो अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है टी एस एलियट डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी ए कैथोलिक पोइटिक ड्रामेटिस्ट रोमांटिसिस्ट या पेंटर, तो यहाँ पर है कैथोलिक। नेक्स्ट है हु सेड पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूजेस ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूजेस ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन है, तो ये बात किसने बोली थी? शेक्सपियर ने, कीट्स ने, ऑर्नोल्ड ने या एलियट ने? तो टी एस एलियट ने बोली थी ये, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, जो फ्रेज है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ की गई? विलियम जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट है इन विच पोएम डज टेनिसन कॉमिमोरेट्स हिज फ्रेंड ऑर्थर हम हेलम, अपनी टेनिसन की किस पोएम में उन्होंने ऑर्थर हेनरी हेलम को जिक्र किया? तो कॉमिमोरेट्स की अपनी पोएम इन मेमोरियम। नेक्स्ट इन विच पोएम हैज़ वर्ड्स फॉर डिस्क्राइब डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया? लाइन्स रिटन अबाउट इथन्स एबे में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या था? द लाइन्स रिटन अबाउट इथन्स एबे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाई चार्ल्स लैम, इनमें से कौन सा ऐसे चार्ल्स लैम के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए नाइट फेयर्स, ये भी चार्ल्स लैम का है, क्रिस्ट हॉस्पिटल, ये भी चार्ल्स लैम का है, पुअर रिलेशन, ये भी चार्ल्स लैम का है, इसमें नहीं है तो चार्ल्स लैम का कौन सा नहीं है? गोइंग और ए जर्नी, ये चार्ल्स लैम का नहीं है, यह है विलियम हेजलिट का। नेक्स्ट है द ईडियम डबल डच मीन्स, एक ईडियम है डबल डच, इसका क्या मतलब है? लैंग्वेज स्पोकन बाय द डच, डच के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, अन इंटेलिजिबल लैंग्वेज,
लॉन्ग डिस्टेंस मार्च या टू नेटिव्स ऑफ द नदरलैंड नीदरलैंड? तो इसके सही आंसर है अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग idiom आउट ऑफ द फोर responses गिवन आफ्टर इट. इसमें इन फ्रेज का मतलब बताइए. इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक सही है, सही पर टिक कीजिए. इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है जानबूझकर. तो इनडिफरेंटली, अनइंटेंशनली, इन एंगर या डेलिब्रेटली. तो हमारा यहाँ पर है डेलिब्रेटली. नेक्स्ट है व्हाट डज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन. एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव वॉज स्वी जेनरीज. क्वेश्चन एक बार और सुन ले. व्हाट डज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मीन. एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव अस स्वी जेनरी. ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट. यूनिक, दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम इज. जो लंबे समय तक चलता है उसको क्या कहते हैं. एवर लास्टिंग, परमानेंट, ड्यूरेबल या इटर्नल. ड्यूरेबल, कभी ना ख़त्म होने वाला. ड्यूरेबल मीन्स टिकाऊ. नेक्स्ट है व्हाट डज द idiom पेनिलोप्स वेब मीन. पेनिलोप्स वेब मीन्स का क्या मतलब होता है. कभी ना ख़त्म होने वाला. ड्यूरेबल मीन्स होता है टिकाऊ. तो इसका ऑप्शन नंबर टू है इसमें दे रखा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका है थर्ड ऑप्शन सही. एन अनएंडिंग वर्क, कभी ना ख़त्म होने वाला काम. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ idiom इंस एंड आउट्स. एक idiom है इंस एंड आउट, इसका क्या मतलब है. आउट साइड एंड बैक साइड, इंटरनली, फुल डिटेल या पार्टली. तो इसको यह हो फुल डिटेल. इंस एंड आउट, पूरा ब्यौरा, फुल डिटेल. नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ जेन्यून इज. जेन्यून का एंटोनियम क्या है. जेन्यून मीन्स होता है सच या वास्तविक. इसका एंटोनियम होगा यानी कि उल्टा, ऑपोजिट, ब्रेव, अगली, स्प्यूरियस या ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, अगली मीन्स होता है बदसूरत, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर. तो हमें जेन्यून का उल्टा चाहिए, स्प्यूरियस. स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, नकली. नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ वॉलंटियर इज. वॉलंटियर मीन्स होता है स्वयंसेवक. इसका एंटोनियम होगा कंस्क्रिप्ट, भर्ती होने वाले. नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ एजाइल इज. एजाइल का एंटोनियम क्या है. मीन्स होता है चुस्त. तो इसका उल्टा क्या होगा, स्लो. ठीक है. नेक्स्ट है द गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रोडिगल. प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला. तो इसका उल्टा क्या होगा, कम खर्च करने वाला यानी कि मितव्ययी. और मितव्ययी क्या है इसमें, फ्रुगल. फ्रुगल मीन्स होता है मितव्ययी. नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ एमनेस्टी इज. एमनेस्टी का क्या मतलब होता है, पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी हम इनमें करेक्ट और इनकरेक्ट ढूंढ सकते हैं. आम माफी को कहते हैं एमनेस्टी. पेनल्टी होता है जुर्माना. जस्टिस न्याय, रिलीज छोड़ देना. और पार्डन मीन क्षमा करना या माफ़ करना. तो हमारा जो सिनोनियम हो रहा है ये इसमें पार्डन हो रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर टू दे रखा है. मेरे हिसाब से इसका आंसर पार्डन है, क्षमा करें. नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ एड्रोइट इज. एड्रोइट मीन्स होता है निपुण. किसी कार्य में को करने के लिए निपुण होना, उस वो क्या कहलाता है, एड्रोइट. तो इसको क्या, इसका जो हमें सिनोनियम लिखना है, स्किलफुल होगा इसका. ठीक है. नेक्स्ट है द सिनोनियम ऑफ अपेक्स इज. अपेक्स का सिनोनियम क्या है. अपेक्स मीन्स होता है सर्वोच्च. पीक मीन्स होती है चोटी. चोटी के सबसे ऊंची जो होती है चोटी, सर्वोच्च उसे भी कहेंगे. तो यहाँ इसका सिनोनियम क्या हुआ, पीक. नेक्स्ट द सिनोनियम ऑफ फेलिक्शियस इज. फेलिक्शियस मीन्स होता है सत्कार है. तो इसका है फर्वेंट. नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड. देखिए आपको चार स्पेलिंग दी हुई है. इन चारों स्पेलिंग्स में एक स्पेलिंग ऐसी है जो मिस हो रही है यानी कि गलत है. तो यह यहाँ एनामोलस, नियम विरुद्ध. इसकी स्पेलिंग गलत है. यह है अनोमेलस. एनामोलस नहीं है, अनोमेलस है. ए एन ओ एम ए एल ओ यू एस. अनोमेलस मीन्स नियम विरुद्ध. नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. इन चारों में से करेक्टली स्पेल्ड एक वर्ड है उसको मेंशन कीजिए. तो यह
concupiscence. Option number 2 is correct. Next here, find out the correct spelling. Rheumatic. R-H-E-U. Rheumatic. Rheumatic. तो हमारा सही है, पहला ही सही है. R-H-E-U-M-A-T-I-C. Rheumatic. यह होता है आमवादी. Next here, which of the following is the correct spelling? Irreconcilable. कट्टर विरोधी. ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है. IRRECONCILIABLE. Irreconcilable means कट्टर विरोधी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड परस्यू. परस्यू मीन्स पीछा करना होता है, यानी कि आगे बढ़ाने. तो इसका है सही आंसर टू रीड थ्रोली. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो. Wordsworth was a great lover of natural scenery and sights. Scenery and sight. Option number 3 is correct. Sight. S-I-G-H-T. Sight means drashya. Next, choose the most appropriate one word substitute for the expression given below. An office with good salary but no work. Ye word de rakha hai, word nahi hai, work hai. एन ऑफिस विद गुड सैलरी, एक ऑफिस जिसमें अच्छी सैलरी दी जाए लेकिन कोई काम को ना करना पड़े. तो उसको कहेंगे साइनक्योर. साइनक्योर यानी कि ऐसा पद जिसमें वेतन मिले लेकिन काम ना करना पड़े. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम आउट ऑफ द फोर ऑप्शन गिवन आफ्टर इट. आउट ऑफ द फोर, देखिए इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, ये छोड़ दीजिए. नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. ए सपोर्टर ऑफ द कोज ऑफ वीमेन. वोमेन का सपोर्टर क्या कहला जाता है? फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट. एक कमरा जिसमें वर्क्स जो डिस्प्ले ऑफ वर्क्स एंड आर्ट्स के लिए हो उसे क्या कहते हैं? गैलरी. आर्ट गैलरी जैसे. सिलेक्ट द बेस्ट चॉइस ऑफ रिप्लेस द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आदित्य वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर बिकॉज ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स. देखिए आदित्य वॉज नॉट सिलेक्टेड, आदित्य सिलेक्ट नहीं हो पाया फॉर द जॉब, जॉब के लिए ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर की. बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्योंकि वो वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स होता है यानी कि कान के पीछे से गीला नहीं, वह अनएक्सपीरियंस्ड था, वो तजुर्बेकार नहीं था, अनुभवी नहीं था. तो अनुभवी ना होने की वजह से आदित्य को जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया. ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, अनएक्सपीरियंस्ड. नेक्स्ट है, विद ए हाई हैंड मीन. विद ए हाई हैंड मीन का क्या मतलब होता है? विद ए हाई हैंड का क्या मतलब होता है? ए प्रेज़वर्दी वे, इन ए डिक्टेटोरियल वे, हेस्टी वे, या ऑनरेबल वे. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, इन ए डिक्टेटोरियल वे. विद ए हाई हैंड मीन्स इन ए डिक्टेटोरियल वे यानी कि घमंड से. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए चार्लेटन. चार्लेटन का, चार्लेटन है इनमें से. हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज. जो मोर स्किल रखता है देन ही प्रिटेंड्स करता है ज़्यादा अपनी स्किल को, जितनी उसके अंदर है उससे भी ज़्यादा. नेक्स्ट है, द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल्डोराडो इज. एल्डोराडो का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है? देखिए एल्डोराडो अंग्रेजी में एल्डोराडो या स्पेनिश में सोने का. मुइस्का जाति के मुखिया का नाम है जो उनके रिवाजों के अनुसार खुद को सोने की धूल से भिगो लेता था और बाद में तालाब में डुबकी लगा लेता था. ठीक है, आगे चलकर यह मृतक सोने का शहर का नाम बन गया जिसने स्पेनी कॉन्क्विस्टाडोरों के काल में कई खोजकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया है.
हालांकि कई लोगों ने इसे कई वर्षों तक इस सोने के शहर को खोजने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसमें सोने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो आया समझ में? तो एल डोरेडो का क्या मतलब हुआ? एन अनअटेनेबल थिंग, जो चीज़ प्राप्त न की गई हो, ठीक है, क्योंकि अनअटेनेबल तो हुआ ही है, वो सोने का शहर कहलाया जाता है लेकिन मिला नहीं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ट्रीज वॉज, द ट्री वॉज लोडेड लेडन विद फ्रूट, लेडन आ गया इसमें, लदा हुआ था विद फ्रूट्स, फलों से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ करेक्ट, इन सेंटेंसेज में से कौन सा सेंटेंस सही है? द शिप लेट गो इट्स, लेट द शिप गो इट्स एंकर, जहाज को उसके लंगर तक जाने दो। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, लेट द शिप गो इट्स एंकर, एंकर मीन्स होता है लंगर। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट कॉन्वर्सेशन कन्वर्शन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। एक सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। प्लीज प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच, इतना मत पियो। रिमेंबर, याद रखो दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम, कि तुम्हें घर तक ड्राइव करके जाना है। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। तो देखिए ये शी फॉरबेड हिम नॉट टू। देखिए फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, और अगर सेंटेंस में फॉरबेड आ जाए तो फिर नॉट टू नहीं लगता, दैट मीन ये वाला गलत है। नेक्स्ट है शी बेग्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम दैट ही वुड हैव टू ड्राइव होम, ये वाला सही है। शी, यहाँ से सेंटेंस है, देखिए प्लीज़ प्लीज़ डोंट ड्रिंक, शी सेड टू हिम, तो यहीं से सेंटेंस बनेगा, शी बेग्ड हिम नॉट टू ड्रिंक टू मच, रिमाइंडिंग हिम उसको याद दिलाते हुए दैट कि ही वुड हैव टू ड्राइव होम, कि उसे घर तक ड्राइव करके जाना है। ऑप्शन नंबर टू सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। विश यू अ हैप्पी जर्नी, नीतू सेड टू मी, नीता ने मुझसे कहा विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो अगर सेंटेंस में विश यू विश आए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेड ए सेड टू को विश्ड में बदल देंगे, तो नीता विश्ड मी फॉर अ हैप्पी जर्नी, या नीता विश्ड मी ए हैप्पी जर्नी, ठीक है, ऊपर ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ, द मदर सेड, माता ने कहा डोंट गो आउट इन रेन, वर्षा में बाहर मत जाओ। देखिए अगर सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो उसको हम फॉरबेड में बदल देते हैं, ठीक है, तो मदर फॉरबेड हर टू गो आउट इन रेन। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट वर्ड, प्लीज रिफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव, CITED। नेक्स्ट है ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट मूव्ड, या इट वॉज मूविंग, तो इसमें ऑप्शन नंबर टू सही है, वेयर व्हाइल इट वॉज मूविंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन, फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, इसमें ऑप्शन नंबर टू सही है, फुल मैनी अ फ्लावर के साथ इज आएगी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ये एक नाउन है, टू सी माई फ्रेंड, अपनी फ्रेंड को देखने के लिए, सीइंग माई फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर, देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो जीरंड बनता है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन है तो इसमें यहाँ पर सीइंग माई फ्रेंड, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें सी माई फ्रेंड और सीइंग माई फ्रेंड दोनों सही है। देखिए बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट एंड एक्सेप्टेबल, बट फॉर डिफरेंट रीजन्स द इंग्लिश इन्फिनिटिव इज टू प्लस अवर मैन फॉर्म हियर सी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इज वन करेक्ट यूज ऑफ द इंग्लिश इन्फिनिटिव, बट इफ यू कंसिडर लुक फॉरवर्ड टू एज अ सेट फ्रेज, द करेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टू शुड बी अ नाउन और अ नाउन फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट, हियर
Seeing is one way to turn the verb see into a noun. So just as I am looking forward to Christmas is grammatically correct. Christmas is a noun. I am looking forward to seeing is also grammatically correct because seeing is a noun form of the verb to see. Seeing is believing. Seeing him again was nice. Okay? तो यहाँ पर हमारे see my friend और seeing my friend बहुत करेक्ट हैं. आप कोई सा भी कर दीजिए आपका सही होगा. नेक्स्ट है द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटिफुल देन दोज ऑफ मैसूर. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कंग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस या एट माई सक्सेस या फॉर माई सक्सेस. क्या आएगा इसमें? देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन में ऑन भी आता है और फॉर भी आता है. इसके भी रूल्स हैं. देखिए इन द सिंगुलर कॉन्ग्रेचुलेशंस इज द एक्शन ऑफ कॉन्ग्रेचुलेटिंग. इन द प्लूरल कॉन्ग्रेचुलेशंस इज वॉट वन ऑफर्स टू एक्सप्रेस प्लीजर इन द सक्सेस ऑफ गुड फॉर्च्यून ऑफ अनदर. ओके द पोजिशन ऑन इज यूज वैन एक्सप्रेसिंग वंस गुड विशेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए हैप्पी इवेंट. जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर मैरिज, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बेबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन या कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द लॉटरी. और नेक्स्ट रूल है इसका कॉन्ग्रेचुलेशन 4 कब आता है. देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कैन बी ऑफर्ड एज प्रेज फॉर समवंस अचीवमेंट. इन दैट कॉन्टेक्स्ट द प्रीपोजिशन टू यूज इज फॉर. जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग 100 डेज विदाउट एन एक्सीडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर लीडिंग द स्काउट टू सेफ्टी. देखिए अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो उसके अचीवमेंट पर अगर हम कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं तब हम 4 लगाते हैं. तो देखिए माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी. मेरी मित्र काठमांडू से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई फॉर माई सक्सेस. मेरी तरफ से यहाँ पर 4 आना चाहिए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. 1 आई वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग हिम. आई वेंट देयर मैं वहाँ पर गई विद व्यू टू मीटिंग हिम उससे मिलने के लिए. फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट टेंस. आई विश आई वर काश मैं मर गया होता तो आई विश आई वर. नेक्स्ट है फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड. इनमें मिस स्पेल्ड वर्ड बताइए. मॉन्स्ट्रस MONSTROUS. देखिए अब आता है हमारा पैसेज छाटने के लिए. तो ये मैं आपको नहीं करवा सकती क्योंकि मैं करवा भी दूँ तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा. अगर आपके पास ये पैसेज होगा तब आप कर पाएंगे इसको. इसलिए ये मैं छोड़ देती हूँ. आगे का क्वेश्चन देखते हैं 117 के बाद वाले. देखिए इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो मार्क द पार्ट विच कॉन्टेंस एन एरर. इज देर इज नो एरर मार्क एज आवर चॉइस. ये सेंटेंस है इनमें कोई एरर है. जिस सेंटेंस में एरर है उसे मार्क कीजिए. तो एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी. हम में से सभी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए टू द कंट्री देश के लिए. तो यह शुड की जगह मस्ट आएगा एज आई थिंक. तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है. नेक्स्ट है नैदर राम नॉर हिज पेरेंट्स. ना तो राम ना ही उसके पिताजी आर टू ब्लेम. इसमें ऑप्शन नंबर 4 है. नो एरर यानी कि कोई गलती नहीं है. नेक्स्ट है वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ. तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है. वेक्स ऑफ सिन आर डेथ. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो. द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस. ठीक है. नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग. आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल. जब तक कि नहीं ही कैम. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. फिल इन द ब्लैंक सिल्क वॉर्म फीड ऑन म्यूलीबेरी ट्रीज. चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम कंप्लीट टू फ्रॉम कंपल्स टू सिंपल. वाइल देर इज लाइफ देर इज होप. लाइफ एंड होप आर इनसेपरेबल. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन. आई डोंट एग्री टू योर प्रपोजल. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट.
तो ये था हमारा आज का पेपर जो 2005 का था, ये मैंने सॉल्व करवाया है। लास्ट में मैं थोड़ा जल्दी बोली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई सा क्वेश्चन में कोई कमी नज़र आ रही हो या कोई सा क्वेश्चन किसी को रॉन्ग लग रहा हो तो वो अपना आंसर दे और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे कि ये आंसर कैसा आया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब के लिए नमस्कार।